नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट क्लास 11 का पार्ट 1 चैप्टर नंबर जो है बच्चों उसका नाम है 8, जिसका नाम क्या है बच्चों, मुख्य रोजनामचा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जर्नल प्रॉपर। बच्चों ये चैप्टर मैं ऑलरेडी चला रहा था और इस चैप्टर में मैंने मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और ऑलरेडी हमने दो वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट के अंदर उसे 1x1 करके समझ लीजिए। और आज के दिन बच्चों हम नए क्वेश्चन कराने वाले हैं। नया क्वेश्चन कौन सा है उसे भी आप देख लो। तो नया क्वेश्चन बच्चों मैं कराने वाला हूँ, यहाँ पर आज के दिन स्वाध्याय के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ बच्चों। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ। एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और नियम कौन सा लगेगा वो भी देख लीजिए। निम्नलिखित व्यवहारों को श्री राकेश पटेल की मुख्य रोजनामचा लिखना है। और बच्चे इस रोजनामचा में नियम क्या है बच्चों, अगर किसी भी तरीके से माल की जावक होगी ना तो बच्चों उस समय पर आपको खरीद खाता जमा कर देना है। बस आपको ये छोटा सा नियम याद रखना है बच्चों। ये छोटा सा नियम क्या है बच्चों, किसी भी तरीके से माल की जावक हो तो आपको खरीद खाता लिख देना। बट सर अगर हमको खरीद खाता ना लिखना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए बड़ा जो नाम लिखा उसके नाम से आप जावक के नाम से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं प्रैक्टिकल सवाल करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर कोई दान दे या कोई आश्रम में दान कर रहा हो तो उसकी जगह पे बच्चों आपको दान खाता नहीं लिखना है, उसका पार्टिकुलर एक नाम होता है जिसे कहते हैं बेटा दरमादा खाता। अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए कुछ भी चीजें लेकर जा रहा है तो उसकी जगह पे आपको आहरण लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो शुरू करें बच्चों। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर मुख्य रोजनामचा का फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चों फॉर्मेट कैसा होता है। तो 5 कॉलम वाला फॉर्मेट होता है, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार और जमा। और यहाँ पर बच्चों किसके नाम से बनाना है? श्री राकेश पटेल का मुख्य रोजनामचा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है श्री राकेश पटेल का मुख्य रोजनामचा। क्लियर? एक एंट्री को पढ़ेंगे और लिखेंगे और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। 5000 का माल अनाथ आश्रम में दिया। अनाथ आश्रम में दिया इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों? दान किया। और दान लिखा हुआ आए बच्चों, अगर किसी जगह पे आप दान कर रहे हो तो उसकी जगह पे क्या लिखना है? धर्मादा खाता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पहला रोजनामचा क्या बनेगा बच्चों? पहला रोजनामचा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पहला रोजनामचा बनेगा धर्मादा खाता। धर्मादा खाता उधार खरीद खाते का, या धर्मादा से गया माल खाता भी लिख सकती हो, लेकिन मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ? खरीद खाते का। आप जो अभी मैं बताया किसी भी तरीके से माल की जावा खोरी, क्योंकि दान करो तो भी माल जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं धर्मादा से गया माल खाता, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट उसकी जगह पर आप खरीद खाता भी लिख सकते हो। इसीलिए मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दिया कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, स्कूल में कुछ और कराया, मैं कुछ और करा रहा हूँ, ट्यूशन में कुछ और करा रही, इसीलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया। आप खरीद खाता भी लिख सकते हो या धर्मादा से गया माल खाता भी लिख सकते हो। कितना रुपये दिया बच्चों? 5 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 5000 रुपये, सॉरी 5000, और यहाँ लिखेंगे हम 5000। ये हमारी पहली एंट्री, पहला रोजनामचा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों? 4000 का माल नमूने के रूप में मुक्त दिया। नमूने के रूप में मतलब विज्ञापन किया बच्चों। नमूने के रूप में बांटा मतलब क्या हुआ? आपने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने प्रचार किया, आपने विज्ञापन किया। तो यहाँ पर रोजनामचा क्या बनेगा बच्चों? रोजनामचा क्या बनेगा तो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखेंगे विज्ञापन खर्च खाता। विज्ञापन
खर्च, खाता, उधार और विज्ञापन से जा रहा है बच्चों, विज्ञापन से गया माल खाता भी लिख सकते हो, या तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे, किसी भी तरीके से माल की जावक हो तो क्या लिखोगे, खरीद खाते का। बच्चों कितना है, 4000, 4000, 4000। और बच्चों विवरण तो आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है, क्लियर हो गया, विवरण आप लोग खुद से लिख लोगे ना, आपको पता है ना बच्चों विवरण कैसे लिखते हैं, अगर नहीं पता है तो क्या करना, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना, उसी को हम बोलते हैं विवरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरी एंट्री, तीसरा क्या है बच्चों, 8000 का माल धंधा में से निजी उपयोग के लिए ले गए। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के लिए लेके जाए तो उसकी जगह पे लिखेंगे आहरण खाता, तो यहाँ पर रोजनामचा क्या बनेगा बच्चों, निजी उपयोग के लिए ले जा रहे हैं तो क्या बनेगा रोजनामचा, तीसरे में क्या लिखेंगे, आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार, आहरण से गया माल खाता भी लिख सकते हो, या उसकी जगह पे आप लिख सकते हो खरीद खाते का, खरीद खाते का। कितना दिया है बच्चों, 8000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8000, और विवरण मेरे बच्चे लिख लोगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री, आगे नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, चौथा, 3000 का फर्नीचर 2800 का माल देकर खरीदा। तो बच्चों यहां पर देखो आपने क्या किया बच्चों, 3000 का फर्नीचर दे दिया और 2800 का आपने माल ले लिया, तो मार्केट में जितना माल मिला है बच्चों सिर्फ उसकी एंट्री होगी, आपने 3000 का फर्नीचर दिया उसका एंट्री नहीं होगी, आपने सिर्फ कितना रुपया दिया, 2800 रुपया, तो सिर्फ 2800 की ही एंट्री आपको करनी है। तो क्या किया, फर्नीचर, और फर्नीचर हमारी संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार होती है, तो रोजनामचा कैसे लिखोगे बच्चों, चौथा यहां पर लिखोगे फर्नीचर, फर्नीचर खाता, तो माल खरीदा है इसलिए यहां पर क्या आएगा, खरीद खाता। कितना आएगा बच्चों, 2800। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री, बहुत सारे यहां पर आगे देखो बड़ा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट क्या है, 7000 का माल दुर्घटना में नष्ट हुआ, जो बीमा कंपनी आपको 5500 रुपया दावा मंजूर कर रही है। पहले जितना दावा मंजूर करे बच्चों, पहले 5500 रुपया आपको बीमा कंपनी दे रही है, तो बीमा कंपनी खाता पहले उधार कर दो, यहां पर जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, पहले बीमा कंपनी खाता उधार कर दिया हमने, कितना, 5500 रुपया, और आपका बच्चों नुकसान देखो, आपको 7000 का नुकसान हुआ था, कितना, 7000 का आपका नुकसान हुआ था, जिसमें से 5500 रुपया आपको बीमा कंपनी ने दे दिया, 7000 में से 5500 दे दिया, कितना बचा, 1500, मतलब नुकसान कितना हो गया आपका, आपका बच्चों माल का नुकसान हुआ 1500 रुपये का नुकसान हो गया, तो यहां पर लिखेंगे आकस्मिक से नुकसान या माल का नुकसान, आकस्मिक से नुकसान खाते का, कितना, 1500 हुआ बच्चों, 5500 प्लस 1500 7000 हो गया। अब आगे, अब बच्चे दूसरा, टोटल नुकसान कितना हुआ, 7000 माल हुआ है, तो यानी यहां पर माल हुआ, माल हुआ तो क्या आएगा, खरीद खाता, खरीद खाते का, कितना, 7000, कुल हमारा 7000 का नुकसान हुआ था, जिसमें से 5500 रुपया हमें बीमा कंपनी दे दी, यानी रोकड़ आ गया, आए तो उधार कर दिया, और दूसरा 1500 रुपये का हमारा नुकसान हो गया बच्चों, आग में जल गया इस वजह से, या नष्ट हो गया आकस्मिक की वजह से, अचानक से कोई चीजें नष्ट हो गया तो उसका नुकसान हो गया, यानी कि 1500 रुपया हमारा उधार होगा, क्योंकि नुकसान हमेशा उधार होता है। बोलो यहां तक की एंट्री क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या है बच्चों, 2000 का निराली के पास से लेना था, जो रकम अभी तक नहीं मिली। बच्चों नहीं मिली इसका मतलब क्या हुआ, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, इसका रोजनामचा कैसे लिखोगे, तो बड़ा ऐसा काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहां पर लिख देता हूं डूबत ऋण, डूबत ऋण खाता उधार, और देने वाला कौन था बड़ा, निराली,
निराली खाते का, निराली खाते का बच्चों कितना रुपया है, 2000 रुपया नहीं देने वाली है, तो मतलब 2000 रुपया पैसा डूब गया। क्लियर हुआ ये कौन सा एंट्री था, पांच छठा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री सातवां, यंत्र पर 800 रुपये की घिसाई अपलिखित कीजिए। घिसाई कर रहे हो किसके ऊपर, यंत्र के ऊपर, और घिसाई क्या बच्चों हमारा, घिसाई कम हो रहा है नुकसान हो रहा है बच्चों, तो घिसाई हमेशा क्या होता है बच्चों, उधार होता है, तो घिसाई खाता क्या करेंगे, उधार। घिसाई हमेशा बच्चों याद रखना उधार होता है, घिसाई खाते का। और यंत्र बच्चों, यंत्र की घिसाई हो रही है तो जिसकी घिसाई है उसको जमा कर दो, यंत्र खाते का खाता। ठीक है कितना है बच्चों, 800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, आगे देखो, मार्च मास में वेतन 7800 चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी है क्या बच्चों, वेतन। वेतन बच्चों पैसा दोगे तो वेतन यहाँ पर आपको नुकसान होगा, एक तो आएगा आपको बच्चों यहाँ पर वेतन खाता उधार, दूसरा दायित्व तो बढ़ रहा है यानी चुकाना बाकी वेतन खाते का, क्योंकि पैसा चुकाना बाकी है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है तो मतलब दायित्व तो हमेशा जमा होता है। ठीक है कितना है, 7800। अब देखो बच्चों सारी की सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, अब करना क्या है बच्चों, एक बार उधार और जमा का टोटल मारो बच्चों, उधार और जमा का टोटल कितना आ रहा है, टोटल मार्क बताओ मुझे, तो टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा, 37400 ये उधार का है और 37400 ये जमा का है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है आइए बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो बच्चों इसकी तरह एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर लिखा हुआ किसी भी तरीके से बड़ा माल जा रहा है, जैसे दान में दिया माल, नमूने के रूप में दिया माल, निजी उपयोग के लिए दिया, हुंडी अस्वीकार, डूबा तृण लेनी, हुंडी बिक्री, पिछड़ा पद, आग से दुर्घटना, चोरी से दुर्घटना, माल कर किसी भी तरीके से घिसाई, तो ये सभी का लेखा बच्चों मुख्य रोजनामचा में किया जाता है। इसलिए बच्चों आपको बड़ा यहाँ पर उदाहरण नंबर दो डिट्टो बच्चों जैसा मैंने अभी कराया वैसा ही है, आप सभी लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है आइए बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो रियल में समझ में आता है और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो में कोई भी कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ बड़ा कि रियल में आप लोगों को समझ में आया या नहीं, और जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो भी मैसेज लिखो बच्चों जिसे मुझे पता चले, और अगर मेरी कोई गलती होगी तो उस गलतियों को मैं सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मकसद यही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी लोग वीडियो को वॉच करो, और कहीं पर भी गलती हो ज़रूर मुझे उसके बारे में बताइए जिससे बड़ा मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।